फैक्टर देंगे आज से प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और एवरी ईयर निम्सेट में 4 to 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, और काफी बच्चों को प्रोबेबिलिटी को लेकर के काफी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो उसी वजह से ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं और काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। और अगर इन वीडियोस को प्रॉपर्ली देख लेते हो, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कर लेते हो अपने आप, तो फिर फ्यूचर में तुम्हें प्रॉपर्टी को लेकर के प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस चैप्टर का यूज आगे भी फर्दर जब कॉलेज जाओगे तो भी होता है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, सैंपल स्पेस क्या होता है, फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ये सारी बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। और इंस्ट्रक्शन ये है कि इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई करो, और अप्रोक्सीमेटली काफी डिटेल में अगर हमें प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है तो इस तरह ये कम से कम एटलीस्ट 30 लेक्चर्स लगेंगे, जो कि वन बाय वन सारे आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी को चांस भी बोला जाता है, और प्रोबेबिलिटी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली चांस ऑफ सक्सेस या चांस ऑफ फेलियर कैलकुलेट करा जाता है। तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फॉर डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, आगे चल के तुम लोग देखोगे तो हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, जहां पे कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस होता है, जहां पे लेंथ वाइज और एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल इनिशियल फेज में हम लोग डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, जहां पे अलग अलग पॉइंट वाइज काउंटेबल नंबर्स मिल जाएंगे सैंपल स्पेस में भी और फेवरेबल केस में भी। और इसके लिए, इसको स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर जरूर देख लो, इनिशियल 4 to 5 लेक्चर्स देखे हुए होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अच्छा खासा कंसेप्ट यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विद डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, इफ द सैंपल स्पेस एस एफ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, लाइक एक कॉइन टॉस कर दिया, ठीक है, या एक डाई थ्रो कर दिया, या कोई भी एनी काइंड ऑफ डूइंग, कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो तो उसको हम यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। Consist of finitely many outcomes, कोई भी random experiment से जो associated all possible outcomes होते हैं उसको हम sample space बोलते हैं, उसकी भी अभी एक definition देखेंगे। जैसे for example एक coin toss करा तो head and tail आना is the sample space, या एक die throw करा तो 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना 5 आना 6 आना, that is the sample space जिसको हम count कर पाए, that is known as discrete sample space, that are equally likely, जैसे यार एक coin टॉस कर रहे हो तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों इक्वली लाइकली है, ऐसा नहीं कि हेड आने के चांस ज्यादा है और टेल आने के चांस कम है, तो दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, और नीचे होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी काफी डिटेल में सारी बातें करेंगे, एक कॉइन टॉस करा तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। फेवरेबल केस को हम नॉर्मली कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज कर लो हमसे बोला गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हेड आना, एक ही तरह से हेड आ सकता है और सैंपल स्पेस में दो पॉइंट है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जिसको अभी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से 0 के बीच में ही लाई करती है। 0 होता है इम्पॉसिबल इवेंट, लाइक एक डाई थ्रो करा गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 आता है और उनसे पूछे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो इम्पॉसिबल है एक डाई में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। या एक डाई थ्रो करा गया और 1 2 3 4 5 6 आता है और हमसे पूछे कि डाई थ्रो करा गया और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नेचुरल नंबर आए, तो 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, दैट इज नोन एज सर्टेन इवेंट, वो होगा ही होगा।
कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा. तो सिंपली प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस. तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशंस की तरफ. सबसे पहले हम आते हैं सैंपल स्पेस पे. सैंपल स्पेस कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल, ट्रायल मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, एंड ईच ऑफ आउटकम ऑफ द ट्रायल इज कॉल्ड एज सैंपल पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, ए डाई इज थ्रोन वंस, देन द सैंपल स्पेस. एक डाई थ्रो करा गया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, इधर वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा. सिंपली दिस इज अवर सैंपल स्पेस. दो पॉइंट टॉस करेंगे टुगेदर, देन द सैंपल स्पेस. अच्छा, दो पॉइंट टॉस करें एक साथ या एक कॉइन को दो बार टॉस करें, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एक ही होगा. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को. तो दो कॉइन टॉस करेंगे तो कॉइन में क्या आता है, कॉइन में आता है हेड या टेल. इधर हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों इक्वली लाइकली है, ठीक है. तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, दैट इज नोन एज अवर सैंपल स्पेस, ठीक है. और यहां पे प्रोबेबिलिटी में बहुत ध्यान सुनना, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्रोबेबिलिटी में और परमुटेशन में. वो क्या होता है, उस बारे में बात करते हैं. परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इस चीज को लेके बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं. तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पे अक्सर गड़बड़ करके आते हैं लोग. तो पीएनसी में अगर तुम्हें पता होगा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एनसीआर होता है. और यही सेम फॉर्मूला तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में भी लगता है, ठीक है. यहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, सो एनसीआर इज द फॉर्मूला. बट डिफरेंस देखो क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन में. ये फॉर्मूला इसके लिए वन तरीका आता है, लाइक जैसे मान लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, लाइक सपोज कर लो 500 रुपीस के जो इंडियन करेंसी है ऑल आर आइडेंटिकल. अगर मान लो कहीं पे 10 नोट्स रखे हैं 500 रुपीस के और पांच सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होगा वन. उसका एक ही तरीका है, चाहे पांच सेलेक्ट करो, चाहे दो सेलेक्ट करो, चाहे तीन सेलेक्ट करो. लेकिन इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यहां पे फॉर्मूला एनसीआर ही लगता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन में भी एनसीआर का ही फॉर्मूला लगता है. ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं और यहां पे गड़बड़ करके आते हैं. और कौन से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस बात को भी समझ लो अच्छे से. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वहां पे, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, लिख लो इस पॉइंट को, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को
डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मान के सॉल्व किया जाता है, लेकिन कौन से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इस बात को समझ लो। ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिजिकल हो, जैसे कि मान लो पीएनसी में तुम्हें पता है कि ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल वन काइंड, जैसे जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं इन केस ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन जितने भी एप्पल्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको तुम टच कर सकते हो, उठा सकते हो, वो सारे आइडेंटिकल होके भी डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर मान लो 10 एप्पल हैं और 2 एप्पल तुम्हें सेलेक्ट करने हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसका आंसर आएगा 1। लेकिन 10 एप्पल हैं और सेलेक्ट करने हैं 2 एप्पल इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे आंसर आएगा 10C। ऐसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जिनको तुम टच कर सकते हो, एप्पल को तुम टच कर सकते हो, उठा सकते हो हाथ में। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, ये चीजें फिजिकल नहीं होती। मान लो हम 3A 2I ले रहे हैं, A को हम टच नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, या 1 1 1 2 2 3 3 3, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये 2 1 आइडेंटिकल है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी और 2 1 आइडेंटिकल है प्रोबेबिलिटी में भी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं हाथ में, तो वो आइडेंटिकल होके भी डिस्टिंक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल या 500 रुपीस के नोट। लेकिन अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एक कंसेप्ट है, लाइक जैसे ए इज अ कंसेप्ट, आई इज अ कंसेप्ट, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, तो 3A आइडेंटिकल है इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी और 2I आइडेंटिकल है, मतलब 3A आइडेंटिकल है प्रोबेबिलिटी में भी और परमुटेशन में भी, 2I आइडेंटिकल है प्रोबेबिलिटी में भी और परमुटेशन में भी। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। 2 1 2 2 3 3, ये सब आइडेंटिकल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करा, दो कॉइन टॉस करे, अगर दोनों ही 1-1 रुपए या 2 रुपए के कॉइन है, तो दोनों कॉइन इन केस ऑफ परमुटेशन आइडेंटिकल, लेकिन ये 2 रुपए के कॉइन जो है इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्टिंक्ट है। इसी वजह से हमने HKTH 2 बार लिखा है, क्योंकि कॉइन डिस्टिंक्ट, पहले पे हेड आ रहा है, दूसरे पे टेल आ रहा है, पहले पे टेल आ रहा है, दूसरे पे हेड आ रहा है, दोनों कॉइन आइडेंटिकल होने के बावजूद भी हम उसको डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट मिस करते हैं, इस वजह से प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको बेसिक एडवांस क्वेश्चन पहले करना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक नहीं करते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, हेड आइडेंटिकल है। अच्छा, हेड इज अ कॉन्सेप्ट, इसी वजह से हमने H1 H2 नहीं लिखा है। हेड इज अ कॉन्सेप्ट, हेड कॉन्सेप्ट है, बट कॉइन इज अ फिजिकल थिंग, तो कॉइन फिजिकल है, इसीलिए हम HTTH लिख रहे हैं। अगर कॉइन, दोनों कॉइन आइडेंटिकल भी होते तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर दो कॉइन एक साथ टॉस कर दिए तुमने, तो HTTH 2 केस नहीं आएंगे, अगर दोनों कॉइन आइडेंटिकल। लेकिन इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों कॉइन आइडेंटिकल भी हैं, तो भी हम उसको डिस्टिंक्ट लेते हैं, बिकॉज कॉइन इज अ फिजिकल थिंग। जैसे दो डाइस थ्रो करे, तो एक केस आएगा 2-3 आना और एक केस आएगा 3-2 आना। ये दो केसेस हम कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दो डाइस अगर आइडेंटिकल भी हैं, तो इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन दोनों को हम डिफरेंट मान के ही चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सैंपल स्पेस समझ में आ गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक करना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे क्वेश्चन पे अगर जंप कर जाते हो बिना डेफिनेशन समझे, तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, अच्छा जो जितने पर्सन है वो तो डिस्टिंक्ट होते ही हैं, और मान लो आइडेंटिकल भी होते, तो भी हम इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी उसको कैसे मान के चलते हैं, डिस्टिंक्ट मान के चलते हैं। दो बॉयज हैं, B1 B2 नाम दे दो, आराम से करते हैं। 3 गर्ल्स हैं, सबके नाम दे दिए, सब डिस्टिंक्ट है, G1 G2 G3। 2 चिल्ड्रेन आर सिलेक्टेड, 2 चिल्ड्रेन सेलेक्ट करे जा रहे हैं। अगर हम सीधे सैंपल स्पेस की मैथमेटिक्स में बात करें, तो 5 डिफरेंट लोगों में से 2 डिफरेंट लोगों को सेलेक्ट करते हो, तो 5C2 आंसर आता है, और nC2 की वैल्यू होती है nn-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, व्हिच इज 5×4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, व्हिच इज फाइनली 10। क्लियर है? अब देखो, इन पांचों में से 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं,
तो प्रॉपरली सैंपल स्पेस और ये क्वेश्चन अपने आप भी करना, क्या क्या हो सकता है, दोनों बॉयज हो सकते हैं बी वन बी टू, और क्या हो सकता है, एक बॉय हो जाए एक गर्ल हो जाए बी वन के साथ, सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, एक बॉय बी वन साथ में जी टू, बी वन जी थ्री, फिर बी टू लो इसके साथ सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, बी वन बी टू के साथ जी वन आ सकता है, बी टू के साथ जी टू आ सकता है, बी टू के साथ जी थ्री आ सकता है, ठीक है, दो बॉयज हो गए, और क्या आ सकता है, दो गर्ल्स के कॉम्बिनेशन बना लो, जी वन जी टू आ सकता है, जी टू जी थ्री आ सकता है, जी वन जी थ्री आ सकता है, क्लियर है। तो ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हो गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पे भी ये आ रहा है, आई होप समझ रहे होगे सैंपल स्पेस किस तरह से निकालते हैं, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, तो पांच चिल्ड्रन थे और दो चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ रहे हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, सारी डेफिनेशंस के थ्रू इनको देखेंगे हम लोग। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस करा जा रहा है, एक कॉइन टॉस कर रहा है, बहुत आराम से देखते हैं हम लोग, इफ इट शोज हेड, अच्छा ध्यान रखना जहां पे और आएगा इंग्लिश वाला और, ठीक है, वहां पे चीजें ऐड करी जाती हैं, और जहां हिंदी वाला एंड आएगा वहां पे चीजें मल्टीप्लाई करी जाती हैं, ये बेसिक परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर में हमने बताया था, और बहुत बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्वेश्चन करना है, कोई प्रेशर में आके क्वेश्चन नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल नेचुरल सॉल्विंग होनी चाहिए, और ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसने अगर कुछ भी पढ़ी नहीं करी तो वो भी परमुटेशन प्रोबेबिलिटी सीख सकता है, बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिक्स के नाम पे सिर्फ ऐड करना मल्टीप्लाई करना ही होता है, इसके अलावा मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ प्योर कॉमन सेंस है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करा जाता है तो कितने तरह से हो सकता है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स की कोई बहुत डीप नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिर्फ यहाँ पे ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, मैथमेटिक्स के नाम पे सिर्फ यहाँ पे यही दो चीजें हैं। तो एक कॉइन इज टॉस इफ इट शोज हेड, अगर इसमें हेड आए, बी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, यहां से एक बॉल निकाली जाएगी, बॉल में क्या है, तीन रेड और चार ब्लैक, ठीक है, एक बॉल निकाल लेंगे, ठीक है, एंड इफ इट इट शोज टेल, अच्छा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर टेल आया वी थ्रो अ डाई, अब यहां पे एक डाई रोल कर देंगे, एक डाइस या डाई रोल कर दिए, थ्रो कर दिया, ठीक है, अच्छा डाई में क्या आता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर, ठीक है, वट इज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू द एक्सपेरिमेंट, तो इसको ध्यान समझो, सिंपल है लेकिन बेसिक करना जरूरी है, अगर हेड आया, अच्छा ये सारी बॉल्स ना भी दिया जाए और इवन बोल दिया जाए आइडेंटिकल, तीनों रेड बॉल आइडेंटिकल है, तो बॉल तुम उठा के देख सकते हो, बॉल तुम टच कर सकते हो, तो तीनों बॉल्स, तीनों रेड बॉल अलग अलग है, आर वन आर टू आर थ्री, और चार ब्लैक बॉल अलग अलग है, सारे डिफरेंट है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे, डिफरेंट और आइडेंटिकल का, और ये बहुत मेजर पॉइंट होता है प्रोबेबिलिटी में, तो हेड आया और एक बॉल निकाल रहे हो तो आर वन आ सकती है, हेड आया दूसरी बॉल आर टू आ सकती है, हेड आया तीसरी बॉल आर थ्री आ सकती है, हेड आया बी वन आ सकता है, हेड आया बी टू आ सकता है, इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके देखेंगे, फिलहाल अभी इनिशियल वे में तुम्हें इस तरह से पूरा करके देखना होगा, तभी तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सिर्फ मैथमेटिक्स जानने से तुम प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हेड के साथ ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए, और यहां पे देखो मैथमेटिकली अगर तुम जानना चाहते हो तो हेड तो आ ही चुका है, तीन रेड बॉल है, चार ब्लैक बॉल है, एक बॉल निकालनी है, तो सेवन सी वन,
एन सी वन एन होता है, तो ये सात तरीके होंगे और यहाँ पे काउंट करके देखो एक दो तीन चार पांच छह सात तरीके। अब टेल आया है तो टेल आया है तो साथ में वन भी आ सकता है, टेल आया है तो टू भी आ सकता है, टेल आया है तो थ्री भी आ सकता है, टेल आया है तो फोर भी आ सकता है, टेल आया है तो फाइव भी आ सकता है, टेल आया है तो सिक्स भी आ सकता है। तो यहां पे अगर तुम मैथमेटिकली काउंट करना चाहते हो टेल तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे कितने केसेस आ रहे हैं, सिक्स। और या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहां पे ध्यान रखना एड करा जाएगा। कुछ लोग हर चीज को बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बोल के देखना कि वहां पे जनरली और आएगा कि एंड आएगा, ठीक है। तो इस वजह से नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, मैथमेटिकली भी 13 आ रहा है। और यहाँ पे काउंट करो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 तरीके आ गए सैंपल स्पेस को, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग सैंपल स्पेस को प्रॉपरली समझ रहे हैं कि सैंपल स्पेस होता क्या है। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम आ सकते हैं, उसका सेट सैंपल स्पेस होता है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। डाई रोल करा गया, पहले पूरा प्रॉपरली पढ़ लो। वंस इफ नंबर ऑन द डाई इज इवन, अगर नंबर डाई पे इवन आया, अगर नंबर डाई पे इवन आया तो हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे कॉइन, ठीक है। If number on the die is even, if number on the die is odd, अगर number odd आया, अगर इसका मतलब और आ रहा है, या तो number even आएगा, एक ही die throw कर रहे हैं, या फिर odd आएगा, one three five odd आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice, फिर से एक coin लिया हमने, उसको टॉस कर दो बार, टू टाइम्स, ट्वाइस। आई होप एक्सपेरिमेंट समझ रहे होंगे, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम इसको प्रॉपरली लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसकी मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो डीपी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सैंपल स्पेस होता क्या है। तो अगर टू आया तो एक कॉइन को टॉस कर, टॉस वन कॉइन, ठीक है, लिखा हुआ है क्वाइन स्टॉस। तो टू आया, क्वाइन में क्या आएगा, हेड या टेल। तो टू आया तो हेड भी आ सकता है, टू आया तो टेल भी आ सकता है, फोर आया तो हेड आ सकता है, फोर आया तो टेल आ सकता है, सिक्स आया तो हेड आ सकता है, सिक्स आया तो टेल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, अगर वन आया तो दो कॉइन टॉस कर रहे हैं। अच्छा, दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो तुम्हें पता है दो कॉइन में एच एच अभी देख चुके हैं, एच टी टी एच टी टू, ये चार केस होते हैं और दो कॉइन टॉस कर रहे हो। मैथमेटिक्स क्या बोलती है, पहले वाले में दो ऑप्शन है हेड या टेल के, दूसरे वाले में दो ऑप्शन हेड या टेल के, टू ए इंटू टू इंडिपेंडेंट है, पहले क्वाइन में क्या आ रहा है, दूसरे क्वाइन में क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो उनके नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर दिए और उसको हमने इस तरह से लिख लिया। तो अब क्या होगा, जरा देखो, वन आया, अगर वन आया तो एच एच आ सकता है, अगर वन आया तो एच टी आ सकता है, अगर वन आया तो टी एच आ सकता है, अगर वन आया तो टी टी आ सकता है, ठीक है। फिर अगर टू आया तो एच एच आ सकता है, टू आया तो एच टी आ सकता है, टू आया तो टी एच आ सकता है, टू आया तो टी टी आ सकता है, ठीक है। अब देखो थ्री आया, सॉरी टू नहीं, थ्री, दैट इज थ्री, सॉरी ये थ्री होगा। फाइव आया तो फिर से यही चार पीसेस। और अब इसको हम मैथमेटिकली भी करके देखेंगे, ऑब्वियसली तुम एग्जाम में इतना बड़ा लिखोगे नहीं, वहां तुम मैथमेटिक्स लगाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स समझने से पहले होता क्या है, सैंपल स्पेस किस तरह से काउंट होता है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टोटल काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, सैंपल स्पेस में 18 पॉइंट आ रहे हैं,
अब इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम में तुम इतना बड़ा नहीं करोगे। डाई के लिए तीन ऑप्शन, ठीक है, कैसे हम मैथमेटिक्स निकाल रहे हैं? डाई में तीन तरह से 2, 4, 6 आ सकता है। अगर 2 आया या कुछ भी आया तो तुमने कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करा तो उसमें हेड और टेल आ सकता है। तो डाई के लिए 3 चॉइस और कॉइन के लिए 2 चॉइस, 2 बेस और आपस में इंडिपेंडेंट है क्योंकि पहले तुमने कॉइन डाई थ्रो करा एंड उसके बाद एंड आ रहा है, उसके बाद कॉइन टॉस करा। तो डाई के लिए 3 चॉइस और कॉइन के लिए 2 चॉइस, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। और यहां पे एंड आएगा, डाई थ्रो कर दिया एंड कॉइन टॉस कर दिया, फिर डाई थ्रो कर दिया एंड कॉइन टॉस कर दिए, तो डाई के लिए कितनी चॉइस आ रही है? अच्छा बीच में और है तो प्लस आएगा। डाई के लिए 3 चॉइस और कॉइन के लिए 4 चॉइस, डाई के लिए 3 चॉइस और कॉइन के लिए 4 चॉइस। आई होप मैथमेटिक्स समझ रहे होगे। तो टोटल इस तरह से भी यहां पे 18 केसेस आ रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक बात समझ में आ रही होगी किस तरह से हमें सैंपल स्पेस निकालना है। और नॉर्मली स्टूडेंट यही गड़बड़ करते हैं कि वो सीधे बेसिक डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, सीधे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पे आ जाते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फिर आगे फर्दर खुद से आंसर्स नहीं मैच कर पाते हैं। ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब एक कॉइन हम टॉस करते ही जा रहे हैं, हेड आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो हेड अगर आ गया तो वो एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, ठीक है, क्या हो सकता है? ये देखो ये इनफाइनाइट सैंपल स्पेस वाला केस होता है, बहुत ध्यान सुनना। पहली बार कॉइन टॉस करा और हेड आ गया तो गेम ओवर हो गया, हम जीत गए। फिर क्या हो सकता है? पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आ गया, जीत गए। या पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आ गया। या पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, चौथी बार हेड, टेल 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 टेल, फिर हेड, फिर 5 बार टेल, फिर हेड, और ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहेगा इनफाइनाइट। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा जब तक हेड नहीं आ जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे और इसकी भी एक अलग कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जब डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस में तो इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट पॉइंट होते ही, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में जब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस बारे में अभी फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल ये एक एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। आई होप ये बात समझ गए होगे और इसका सैंपल स्पेस भी समझ गए होगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवेंट, इवेंट क्या होती है? इवेंट दो तरह की होती है, सिंपल इवेंट होती है और एक कंपाउंड इवेंट होती है। इवेंट लाइक कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट इज द इवेंट। जैसे एक डाई थ्रो करा और प्राइम नंबर आना, प्राइम नंबर कैसे आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। या एक डाई थ्रो करा और इवेंट नंबर आना, ठीक है, दैट इज अ इवेंट। इवेंट दो तरह की होगी, सिंपल इवेंट एंड एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, मतलब सिंपल इवेंट में एक ही पॉइंट आता है, ओनली वन पॉइंट आता है, दैट इज नोन एज सिंपल इवेंट, ठीक है। इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड इज अ सिंपल पॉइंट, सिंपल इवेंट, क्लियर है बात। An event containing only single sample point is called an elementary or simple event. तो simple event में सिर्फ एक point आएगा, that is simple event. अब इसके बाद आता है compound event. Compound event में एक से ज्यादा points आते हैं favorable case में, event में. देखो पढ़ो, events obtaining by combining together two or more elementary events are known as compound event or decomposable event. फॉर एग्जाम्पल, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस थ्रो कर रहे, ठीक है, गेटिंग अ डबलेट, डबलेट लाना इज अ कंपाउंड इवेंट बिकॉज द इवेंट अकर इफ
एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट, कई सारी एलिमेंट्री इवेंट मिल करके जो इवेंट बनती है उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। डबलेट कैसे आ सकता है, 1-1 से, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से, 5-5 से, 6-6 से, तो कई सारी एलिमेंट्री इवेंट सिंपल इवेंट को मिला ले, दैट इज कंपाउंड इवेंट। और सिंपल इवेंट क्या होती है, जहां पे सिर्फ सिंगल पॉइंट आए, सिंगल मतलब फेवरेट केस में एक फेवरेट केस का नंबर कितना है, ओनली वन। अब इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट मतलब किसी भी इवेंट की प्रायोरिटी ज्यादा या कम नहीं है, जैसे कॉइन टॉस करा और हेड या टेल आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1/2 आएगी, या एक डाई थ्रो करा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ये तो मैथमेटिकल तरीका हो गया। और अगर कॉमन सेंस से देखो तो एक डाई थ्रो कर रहे हो तो कुछ भी आ सकता है, किसी भी इवेंट के सिंपल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, चांस ज्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि तुमने 10 बार डाई थ्रो करा और हर बार वन आ जाए, तो ये बड़ा यूनिक केस हो जाएगा, मतलब तो बहुत अजीब हो जाएगी बात कि 10 बार तुम डाई थ्रो कर रहे हो तो हर बार वन आ रहा है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है, इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ देयर इज नो रीजन फॉर एन इवेंट टू अकर इन प्रेफरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट, लाइक हेड या टेल आने में कुछ भी आ सकता है, इन एन इफ एन अनबायस डाई इज रोल्ड, ठीक है, देन ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू हैपन, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, क्लियर, दीज आर इक्वली लाइकली इवेंट। या एक कॉइन टॉस करा तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, सिंपल। अब इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे बेस अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और ये मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस में आ ही जाता है। तो पहले हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स क्या होती है, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लाइक जैसे एक कॉइन टॉस करा तो हेड आ गया, टेल आ गया, ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। या एक डाई थ्रो करा, इवन नंबर आना, अलग केसेस होंगे, ऑड नंबर आना, अलग केसेस होंगे, उनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो दैट इज नोन एज डिसजॉइंट इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट और इनकंपैटिबल इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर, जैसे एक डाई थ्रो करा और इवन नंबर आ गया तो ऑड नंबर आने को रोक रहा है, तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और सेट थ्योरी में पढ़ा होगा डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ रहा है, दैट इज डिसजॉइंट सेट, जैसे फॉर एग्जांपल ई गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आना डाइस में, इवन नंबर कैसे आ सकता है, 2, 4, 6, ऑड नंबर आना डाइस में 1, 3, 5, दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। इफ ई अकर्स वी से दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज इवन एंड सो इट कैनॉट बी ऑड, अगर ई अकर कर रहा है तो एफ नहीं अकर कर सकता, एफ अकर कर रहा है तो ई अकर नहीं कर सकता, तो ऐसी इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और साथ में एक टर्म और होता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग, एग्जॉस्टिव, जैसे एक डाई थ्रो करा गया, डाई थ्रो करा गया, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये अगर पूरे यूनिवर्सल सेट को कवर कर ले तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव को बेसिकली तुम बोल सकते हो सैंपल स्पेस मोटे तौर पे। तो एग्जॉस्टिव केसेस वो होते हैं जहां पे के अलावा, जैसे एक डाई थ्रो कर रहे हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता, दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। जैसे सपोज कर लो ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एम ई मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो आएगा, एग्जॉस्टिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम वन आ जाएगा, जैसे कि
अगर बोला जाए क्वाइन टॉस कर रहे हैं हेड या टेल आना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही क्वाइन टॉस कर रहे हैं और हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम वन आएगा मैथमेटिकली अगर देखो तो, हेड आना 1/2, टेल आना 1/2, या एक डाय थ्रो कर रहे हैं तो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, हेंस इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बड़ा सिंपल है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अभी आगे और भी इवेंट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, डिपेंडेंट इवेंट होती है, उसको आगे लोग देखेंगे। फिलहाल आई थिंक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया और एग्जॉस्टिव भी समझ में आ गया कि उसके अलावा कुछ ना हो। अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ डेफिनेशंस ही कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, अगर एक पेयर ऑफ डाई थ्रो कर रहे हो तुम, दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो पहले डाइस में भी 6 आ सकता है, 6 तरीके हैं 1 2 3 4 5 6, और दो डाई थ्रो कर रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी में भी कुछ भी आए तो इस वजह से नंबर ऑफ वेज हमने क्या करे मल्टीप्लाई कर लिए। और ये केसेस आएंगे कैसे, 1 1 1 6 2 1 2 2 2 6 3 1 3 2 3 6 से लेकर के 6 1 6 2 6 6, टोटल 36 केसेस आएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, दो डाई थ्रो कर रहे हैं और ये पहले ही बता चुके हैं, एक डाई को दो बार थ्रो करो 1/1 या दोनों डाई एक साथ थ्रो कर दो, चूंकि डाइस डिफरेंट है तो ध्यान रखना 3 4 4 3 दोनों में आएगा क्योंकि डाइस डिफरेंट है। और डाई को थ्रो कर रहे हो तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहली बार क्या आया दूसरी बार क्या आया, तो दो डाई को एक साथ थ्रो करो या 1/1 थ्रो करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेम रहेंगे। एक कॉइन को 100 बार टॉस करो या 100 कॉइन एक साथ उछाल दो, कैलकुलेशन सेम रहेगा, सैंपल स्पेस वही होगा, फेवरेबल केस वही होने वाले हैं बिकॉज सारे कॉइन सारे डाइस डिफरेंट हैं। तो अगर 1/1 टॉस कर रहे हो तो लोगों को लगता है ऑर्डर कंसिडर करना चाहिए, और एक साथ टॉस कर रहे हैं तो ऑर्डर कंसिडर नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ा मेजर कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। तो आई होप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर 1/1 सारे कॉइन एक साथ भी टॉस कर दो तो भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो 100 कॉइन सारे डिफरेंट हैं इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये छोटी छोटी बातें समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे सबसे पहले तो पेयर ऑफ डाइस है तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 36, ठीक है। अब एक एक करके इवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ए इज द इवेंट, सम इज ग्रेटर देन ए, तो दो डाइस थ्रो कर रहे हो तो सम, दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम सम 12 आएगा, दो डाइस थ्रो कर रहे हो तो मिनिमम सम 2 आएगा, तो 8 से ज्यादा सम, 8 से ज्यादा होना चाहिए तो 9 10 11 12। तो एक सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, 9 कैसे आएगा, 9 आएगा 4 5 आ जाए, 5 4 आ जाए, 3 6 आ जाए, 6 3 आ जाए, ठीक है 9 सम आ गया। 10 कैसे आएगा, 5 5 आ जाए, 6 4 4 6, देख रहे हो क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दोनों डाइस डिफरेंट है, एक एक करके टॉस करा जाए थ्रो करा जाए या एक साथ थ्रो कर दे, आई होप ये बात अब समझ में आ रही होगी। 10 हो गया 11 5 6 6 5, और 12 के लिए एक ही केस आएगा 6 6, ठीक है। तो 9 के लिए 4 केसेस आ रहे हैं, 10 के लिए 3 केसेस आ रहे हैं, ठीक है, 11 के लिए 2 केसेस और 12 के लिए 1 केस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे फेवरेबल केस 10 आ गए, जब सम ग्रेटर देन 8 चाहिए तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 10/36 हो जाएगा। अभी फिलहाल हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा रहे, अभी फिलहाल हम सिर्फ इवेंट्स देख रहे हैं और डिवाइड तो तुम लोग कर ही लोगे। अब बी क्या है, बी केस ये है कि 2 किसी एक में आना चाहिए, अच्छा इसको मैथमेटिकली नहीं कर सकते,
ये पूरा तुम्हें बना के ही देखना पड़ेगा सम के लिए। किसी एक में टू आना चाहिए, सपोज कर लो फर्स्ट डाई में टू आ रहा है तो सेकेंड डाई में कुछ भी आ सकता है। या सेकेंड डाई में टू आ रहा है तो फर्स्ट डाई में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं? एक डाई में टू फिक्स कर दो, इसमें टू आ गया फर्स्ट डाई में, तो सेकेंड डाई में छह तरीके से कुछ भी आ सकता है। या फिर सेकेंड डाई में टू फिक्स कर दो तो फर्स्ट डाई में कुछ भी आ सकता है, बारह तरीके। क्लियर है? तो यहां पे काउंट करके देख लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह तरीके आ रहे हैं मैथमेटिकली भी और थ्योरेटिकली। अब क्या है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लोगे, ये 12 वेज आ रहे हैं, 12 by 36, 1 by 3। अब क्या है, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, एटलीस्ट 7, 7 कम से कम सम होना चाहिए, तो 7 सम कहां तक जाएगा, 7 8 9 10 11 12 सम लिख रहे हैं हम लोग, 7 8 9 10 11 12 और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में क्या होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है, या तो सम 9 आ जाए या सम 12 आ जाए, मतलब सम एटलीस्ट 7 तो होना ही चाहिए और साथ में मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो सम 9 के लिए लिख लो 5 4 4 5 6 3 3 6, ठीक है, 12 के लिए क्या आ जाएगा 6 6, 1 2 3 4 5 के 5 by 36 अगर प्रॉबिलिटी निकालेंगे, फिलहाल अभी प्रॉबिलिटी नहीं निकाल रहे हम लोग, सिर्फ इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बिकॉज यहां देख रहे हो कहीं पे भी किसी भी केस में टू नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आएगा, 0 आएगा, नल सेट आएगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में भी देखो, सी में कहीं पे भी टू नहीं आ रहा है तो ये भी 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो मेरे ख्याल से ए, ए के अंदर ही सारे सी के एलिमेंट हैं, 5.4 भी है, 4.5 भी है, 6.3 भी है, 3.6 भी है, 6.6 भी है। So, A intersection C अगर तुम निकाल रहे हो तो ये बेसिकली C आ रहा है। आई होप समझ रहे होगे। क्या A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तुम लोग चेक करो, A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है बिकॉज यहां देख रहे हो कहीं टू नहीं आ रहा है और यहां पे एटलीस्ट, मतलब एक जगह टू आ ही रहा है एटलीस्ट। अच्छा ये काम गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ये केस दो बार काउंट हो गया है तो इसको हटा दो। यहाँ पे जो टोटल केस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केस आएंगे, तो दैट इज 11। इस बात का ध्यान रखना है कि 11 केसेस हैं, ठीक है, 12 केस नहीं है बिकॉज 2 और 2 दोनों सेम केस हो गए, पहले पे 2 आया दूसरे पे 2 आया, या दूसरे पे 2 आया पहले पे 2 आया, ये दोनों सेम केस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी इवेंट में 11 केस, ठीक है। अब देखो क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बिल्कुल। ए देख लो और बी देख लो, यहां पे कहीं टू नहीं आ रहा है, यहां पे एटलीस्ट एक जगह टू आ रहा है, ठीक है। अब देखो बी और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? बी और सी बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहां एटलीस्ट एक जगह टू आ रहा है, यहां पे कहीं टू नहीं आ रहा है, तो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं, ये तो ए के अंदर ही एस पूरा लाई कर रहा है, तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए और सी में सी पूरी तरह से ए के अंदर कंटेन्ड है, तो कॉमन आ रहा है और वो कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो आई होप समझ गए होगे
यहाँ पे केसेस ये वाला रिजेक्ट कर देना है, 2.2 ले लूं और ये वाला रिजेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 boys and 3 girls, 2 children आर सिलेक्टेड एट रैंडम। इसका आई थिंक वो पूरा बना के देख लिया था उन्होंने, 10 cases आ रहे थे, सैंपल स्पेस से बना के देखा था ये 2 boys 3 girls का। बोथ सेलेक्टेड, अच्छा 2 boys 3 girls में से 2 children सेलेक्ट कर रहे हो 5C2। थियोरिटिकली भी पूरा बना के देख लिया था उन्होंने, 10 ways आ रहे हैं। बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रेन आर गर्ल, दोनों गर्ल, 3 girl G1 जी की, G2 जी की, G3 जी, और उसको मैथमेटिकली कैसे करोगे, 3 में से 2 सेलेक्ट कर लो, 3C2 होता है, 3C1 बिकॉज NCR होता है, NCN-R और NC1 आता है 1N, सॉरी, सो दैट इज 3, 3 वेज इस तरह से भी आ रहे हैं, G1 G2 G2 G3 G3 G1 और मैथमेटिकली भी आ रहे हैं। बी, सेलेक्ट अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 boy and 1 girl। 1 boy या तो B1 ले लो, B1 ले लो, G1 ले लो, B1 ले लो, G2 ले लो, B1 ले लो, G3 ले लो, या B2 ले लो, G1 ले लो, B2 G2, B3 G3, और जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं कि पहले गर्ल आ रही है कि पहले बॉय आ रहा है, यहां पे चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको अरेंज करना होता तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती। हाँ, क्वाइन में एक्चुअली टीएच इंपॉर्टेंट था बिकॉज दोनों क्वाइन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करके कहीं पे अरेंज करना होता तो हम B1 G1 B2 G2 मतलब B1 G1 और G1 B1 करके लिखते इसको। तो ये 6 cases है और मैथमेटिकली इसको करना है तो 2 में से 1 boy सेलेक्ट कर लो एंड 3 में से 1 girl सेलेक्ट कर लो, 2 into 3 ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब सी देखो, एटलीस्ट 1 boy सेलेक्ट, कम से कम 1 boy सेलेक्ट हो, कम से कम 1 boy सेलेक्ट हो, इसका मतलब 2 तरह से कर सकते हैं इसको हम लोग। पहले तो प्रॉपरली लिख करके देखेंगे, कम से कम 1 boy सेलेक्ट हो, या तो दोनों ही बॉय सेलेक्ट हो जाए, या 1 boy सेलेक्ट हो, ये पूरा पूरा यहां पे आ जाएगा, B1 G1 B1 G2 इनिशियली लिख लो तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G3, ठीक है। एटलीस्ट 1 boy सेलेक्टेड, एटलीस्ट 1 boy सेलेक्ट हो, यहां तक एटलीस्ट 1 boy सेलेक्टेड। अब देखना ध्यान से, 2 boy भी हो गया और 1 boy भी हो गया, 1 boy के सारे केसेस बना लिए हम लोगों ने, और 2 boy, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 ही बॉयज है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके आ रहे हैं, चेक कर लेना एक बार। एटलीस्ट 1 boy सेलेक्टेड को हम प्रोबेबिलिटी में ऐसे करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की 1 होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो बॉय सेलेक्टेड, एटलीस्ट में हमेशा 1 माइनस नो बॉय सेलेक्टेड। नो बॉय सेलेक्टेड मतलब क्या हुआ, सिर्फ गर्ल सेलेक्ट हो रही है, और गर्ल सेलेक्ट होने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, तो 1 माइनस 3/10 मतलब 7/10, क्लियर है। और 7/10 वैसे भी आता, 7 तरीके इस तरह से भी आ रहे थे और सैंपल स्पेस तो 10 ही था, ठीक है। विच पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब ये तुम्हें सोचना है, ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये सोचना है। तो पहले देखो, ए और बी दोनों गर्ल और 1 boy 1 girl, तो ऑब्वियसली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बीसी 1 boy 1 girl एंड एटलीस्ट 1 boy, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन आ ही रहा है, पूरा पूरा बीसी के अंदर आ रहा है, पूरा पूरा बीसी के अंदर आ रहा है। सी, बी जो है वो सी का सबसेट, तो बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, ए और सी,
क्या ए और सी, ए क्या है दोनों गर्ल और सी क्या है एटलीस्ट वन बॉय, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि दोनों गर्ल और एटलीस्ट वन बॉय, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर है बात? तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है सैंपल स्पेस क्या आता है, 6 × 6 दैट इज 36 एंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर विच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड। ठीक है, सम इवन आए, सम इवन आए तो टोटल 36 केस है, इक्वली लाइकली है 1 से लेके 6 तक, पहले में भी आ सकता है 1 से लेके 6 तक, दूसरे में भी आ सकता है। अगर तुम प्रॉपरली बना के देखो तो आधे केस में सम इवन आएगा और आधे केस में सम ऑड आएगा। एक बार अपने आप करके देखो, देखो 1 1 सम कितना आ गया 2, 1 2 सम कितना आ गया 3, 1 3 सम कितना आ गया 4, जो कि इवन है, देख रहे हो, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, हर ऑल्टरनेट में इवन ऑड आता जाएगा ऑड, तो आधे केस में सम इवन आएगा और आधे केस में सम ऑड आएगा, ये बना के देख सकते हो। तो टोटल 18 केस लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इनिशियली लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग। आधे केस में सम इवन आएगा, आधे केस में सम ऑड आएगा, सारे केसेस सीक्वेंस वाइज तुम लिखोगे 1 1 1 से लेके 1 6, 2 1 से लेके 2 6, तो हर एक ऑल्टरनेट में पहले इवन आएगा दूसरा ऑड आएगा, तो आधे केस इवन हो जाएंगे आधे ऑड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, इसके कुछ केसेस लिख लेते हैं, जैसे हम सम इवन आए 1 1, हर ऑल्टरनेट शिफ्ट कर दो 1 3 1 5, फिर 2 1, नहीं 2 1 नहीं 2 2, बीच वाले केस आ जाएंगे 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, समझ रहे हो, फिर 3 1, 3 3, 3 5, फिर 4 2, 4 4, 4 6, इस तरह से कर सकते हो 5 1, 5 3, 5 5, 6 2, 6 4, 6 6, 1 2 3 4 5 6 18 केसेस आ रहे हैं काउंट करके देख लो सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 सम मल्टीपल ऑफ 3 दो डाइस थ्रो कर रहे हो तो सम मिनिमम 2 आ सकता है और मैक्सिमम 12 आ सकता है ये सारे सम आ सकते हैं ठीक है ये सारे सम आ सकते हैं सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये केसेस बन रहे हैं तो बना के देख लेते हैं अभी फिलहाल, इनिशियली सारी चीजें करके देखो। सम 3 आ रहा है, सम 3 कैसे आएगा, पहले पे कम डाल दो 1 2 2 1, और आई थिंक और कुछ नहीं हो सकता सम 3 के लिए। ठीक है, सम 6, सम 6 कैसे आ सकता है 1 5 5 1, 2 4, 4 2, 3 3, सम 6 हो गया। सम 9, सम 9 कैसे आ सकता है 4 5 5 4, 3 6, 6 3, सम 12 कैसे आ सकता है 6 6। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। सम इज लेस देन 4, लेस देन 4 में क्या हो जाएगा 2 एंड 3, 2 कैसे आएगा 1 1, 3 कैसे आएगा 1 2 2 1। ठीक है, सम सम लेस देन 4, सॉरी सम लेस देन 4 है तो ठीक है 2 3 हो गया। सम ग्रेटर देन 11, सम ग्रेटर देन 11 तो 12 ही आएगा 6 6। ठीक है, विच पेयर इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए डी, बी सी, सी डी, ए सी, बी डी,
ए बी, एक दो तीन चार पांच छह, छह पेयर बनेंगे, चार सेट्स है तो छह पेयर बनेंगे, फोर सी टू पर। तो सारे पेयर हमने बना लिए और चेक करना है कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ध्यान से देखो, ए बी सम इवन मल्टीपल ऑफ थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज ए बी देख लो, बी भी देख लो, तो यहां पे टू फोर आ रहा है और यहां पे भी टू फोर आ रहा है, कई सारे एलिमेंट कॉमन है। मल्टीपल ऑफ सिक्स में तुम्हारा सिक्स जब आएगा, ट्वेल्व जब आएगा, ये कॉमन हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो कई चीजें कॉमन आ रही है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक एक एलिमेंट भी अगर तुम्हें मिल गया यहाँ पे टू फोर और यहाँ पे टू फोर, ठीक है, फोर टू कॉमन। अब देखो फिर क्या है, बीसी, बीसी सम मल्टीपल ऑफ थ्री, सम लेस देन थ्री, सम लेस देन थ्री, यहां पे ये दो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बीसी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सीडी देखो, सीडी सम लेस देन फोर, सम ग्रेटर देन इलेवन, बिल्कुल ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सीडी। अब देखो एसी, सम एवन, सी क्या है, सम लेस देन फोर, वन वन आ रहा है, वन वन एक ही एलिमेंट कॉमन है, एसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बीडी सम मल्टीपल ऑफ थ्री एंड सम ग्रेटर देन ट्वेल्व, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, सम मल्टीपल ऑफ थ्री सिक्स कॉमा सिक्स, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फाइनली ए एंड डी, सम ग्रेटर देन 11 और सम एवन, बिल्कुल आएगा 6 6 इसमें आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। क्लियर है बात एवरीवन? ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए, आई होप आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, इस बारे में हम सोच सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को बड़ा नेचुरली करना है। तो अब हम लोग इन डेफिनेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और ये सारी चीजें अगर प्रॉपरली फॉलो करोगे तो फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी में और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आंसर्स आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।